राजस्थान का संग्राम बीजेपी कांग्रेस के बागियों का घमासान। बीजेपी चौकस, बागियों पर फोकस। बागियों को मनाने में जुटी बीजेपी। कांग्रेस की भी बागियों को मनाने की कवायद। बागी किसका बिगाड़ेंगे चुनावी गणित। बागियों से खतरा, मनाने का पैंतरा। नमस्कार, शाम 5 बजे की डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। आज हम इस डिबेट में बात करेंगे बागी नेताओं की, जिन्होंने बड़ी बड़ी पार्टियों को हिला दिया है। हालांकि इस चुनावी समर में बागियों को मनाने की तैयारी बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से की जा रही है। कांग्रेस ने मुकुल वासनिक को तो बीजेपी ने गजेंद्र सिंह शेखावत को ये जिम्मेदारी सौंपी है। राजस्थान के पिछले चुनावी इतिहास को देखें तो बागियों ने हमेशा बड़ी पार्टियों को परेशान ही किया है। ऐसे में अब पार्टियों की मजबूरी हो गई है कि बागियों को मनाया जाए, लेकिन क्या बागी मान जाएंगे या फिर चुनावी गणित को प्रभावित करेंगे? आज हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे और आपको बताएंगे कि बागी कैसे चुनावी समीकरण बिगाड़ सकते हैं और क्यों पार्टियों की मजबूरी है इन्हें मनाना। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पौरुष भारद्वाज, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, और साथ ही साथ डॉक्टर मिथिलेश जामिनी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आप दोनों का न्यूज 18 राजस्थान पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पौरुष भारद्वाज जी, आपके पास ही आते हुए देखिए, अब जिस हिसाब से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, अब बागियों को मनाने की जो कवायद है और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है। क्योंकि देखिए, जब यहाँ पर लिस्ट ही जारी की गई थी तभी देखा गया था कि बगावती सुर तभी से देखने को मिले थे। आपकी तरफ से क्या कोशिश की जा रही है बगावती जो हुए हैं उनको मनाने की, क्योंकि ये लोग समीकरण बिगाड़ सकते हैं? देखिए आयुषी जी, आप यदि हमारी पार्टी के टिकट वितरण की तुलना भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण से करें और साथ ही साथ दोनों पार्टियों के टिकट वितरण के पश्चात फैले हुए असंतोष की बात करें, तो आपको देखने में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की तुलना में हमारे यहाँ पे जिन लोगों को टिकट नहीं मिला तो उनका विरोध करना तो स्वाभाविक था, परंतु उनका विरोध जो है वो उसने किसी भी तरह का अभद्र भाषा के रूप में सामने नहीं आया, किसी भी तरह के उग्र प्रदर्शन के रूप में सामने नहीं आया, और सिर्फ उन्होंने एक दबी जुबान से एक अपनी बात आलाकमान तक या बड़े शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचानी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इस बात को पार्टी भी इस बात का बुरा नहीं मानती, क्योंकि जो व्यक्ति टिकट लेने के लिए कम से कम आधी 5 साल जब फील्ड में काम करता है और उसके बाद जब पिछले 2-3-4 महीने से लगातार उसकी भागदौड़ी होती है, तो ऐसे में यदि उसको टिकट नहीं मिलता तो एक कुछ समय के लिए उसके अंदर एक निराशा भाव जागना एक स्वाभाविक सी चीज है, इस बात को पार्टी के नेतृत्व भी समझता है। परंतु आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति हुई। भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा कि जिस प्रकार पहली लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 7 सांसदों को अपना उम्मीदवार घोषित किया गया और 6 सांसदों का लगातार विरोध हुआ। जयपुर में हमने देखा कि किस प्रकार झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो है इनके जो कर्नल राठौड़ साहब थे उनका विरोध उन्हीं के इलाके की जनता ने किया, ना सिर्फ विरोध किया कार्यकर्ताओं ने विरोध किया बल्कि दो जो है पूर्व मंत्री जो शेखावत जो थे और उसके अलावा एक जने और थे, उन लोगों ने वहां पे ताल ठोक दी वहां पे और उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान तक कर दिया। इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार विद्याधर नगर में जब इनके द्वारा इनके नरपत सिंह राजवी जी का टिकट काटा गया उसके बाद उनका कितना भयंकर विरोध हुआ और उन्होंने जो है जयपुर के जो राजघराने की राजकुमारी है जिनको वहां से टिकट दिया गया दिया कुमारी को, उनके उनके इतिहास तक पे उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया कि साहब ये तो वो लोग है कि जो एक धर्म विशेष के लोगों की गुलामी किया करते थे। जिस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा अपने पार्टी के द्वारा दिए गए प्रत्याशियों के विरुद्ध किया गया, और देखिए यही नहीं आपने देखा कि प्रकार से चित्तौड़गढ़ के अंदर जहां से इनके प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री सीपी जोशी जी सांसद है वो आते हैं वहां पे उन्हीं की पार्टी के लोगों के द्वारा उनके पुतले की शव यात्रा निकाली गई और किस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। उदयपुर के अंदर जो है इनके डिप्टी मेयर पारस चंद जी जो थे
उन्होंने किस प्रकार से वहां पे गलत टिकट वितरण के लिए जो अभी आसाम के राज्यपाल है उनको गुलाब चंद कटारिया जी, उनके लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया उनको दोषी ठहराया गया। देखिए आपको ऐसे मंजर हमारे यहाँ पर कहीं भी किसी भी विधानसभा क्षेत्र में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। रही बात मनाने की, तो हमारी पार्टी के जो नेता है वो जो पार्टी की विचारधारा जिनके डीएनए के अंदर है वे एक अनुशासित सिपाही है। उन्होंने चाहे वक्ती तौर पर अस्थायी तौर पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करी, परंतु हमारी पार्टी को पूरा विश्वास है कि वे लोग पार्टी की रीति नीति से सहमत होकर पार्टी के निर्णय को अपना अंतिम निर्णय मानते हुए पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को चुनाव जिताने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा, मैं समझता हूं कि बागियों को मनाने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को अधिक है। ठीक है, आपकी तरफ से ये बात तो कही जा रही है पौरुष जी, लेकिन जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है उसमें ये देखा जा रहा है कि आपके भी कई नेता मंत्री हैं जो लगातार अब बागियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर मिथिलेश जामिनी भी जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। मिथिलेश जी, अगर हम बात राजस्थान की करें, इतिहास की अगर हम देख ले बात, तो जो बागी है वो बड़ी बड़ी जो पार्टी है उनको हिला करके रख देते हैं और इनका जो रोल होता है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बार जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है बीजेपी की अगर हम देख ले तो उसमें कवायद और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है बागियों को मनाने की, क्या कहेंगे? ठीक है, मिथिलेश जी की आवाज नहीं हम तक पहुंच पा रही है, हम पौरुष भारद्वाज जी के पास ही जाएंगे। पौरुष जो देखे जिस हिसाब से तस्वीरें हमने देखी है अभी, जो इससे पहले हमने खबर भी दिखाई अपने दर्शकों को, उस पर देखने को मिला है कि वसुंधरा राजे खुद पहुंच रही है डैमेज कंट्रोल, अब यहां पर जो है स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, यहां पर लोगों से बातचीत की जा रही है क्योंकि अब क्लियर हो चुका है, आपके भी पार्टी की तरफ से ये क्लियर हो चुका है और बीजेपी की तरफ से भी ये क्लियर हो चुका है कि अगर हम बागियों को नहीं मनाएंगे तो आने वाले दिनों में ये समीकरण जरूर बिगाड़ देंगे। भले हमारी पार्टी ने मुकुल वासनिक जी को इस काम के लिए नियुक्त किया गया, परंतु हमारी पार्टी के जो बागी, जो शब्द तो मेरे को इस्तेमाल करना उचित नहीं लगेगा, जो नाराज व्यक्ति जो हैं, तो निश्चित तौर पे आप एक जो पार्टी होती है वो भी एक परिवार की तरह होती है, परिवार में भी कई बार जब परिवार के सदस्यों को उनकी मनवांछित इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है और वे नाराज हो जाते हैं तो घर के बड़े होते हैं वो उनको मनाने के लिए जाते हैं, तो जो परिवार की जो प्रक्रिया होती है सेम वो की वो स्थिति पार्टी की भी होती है। देखिए राजनीतिक लोग होते हैं तो हमारे लिए जो महत्व अपने निजी परिवार का होता है वही महत्व हमारे लिए हमारे पार्टी परिवार का होता है। तो देखिए एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया, मैं नहीं समझता कि इस बात को लेकर के कोई इस बात को गंभीर मानी जानी चाहिए, परंतु देखिए भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार की स्थिति, जो पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी की गई और उसी समय तत्काल इनको अपने केंद्रीय मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी के नेतृत्व में 11 सदस्य कमेटी का गठन करना पड़ा और उसको डैमेज उसका काम ही सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने का था और जिस प्रकार से वो कमेटी भी अपने दायित्व में विफल रही और उसी चीज का परिणाम, और देखिए उनकी पहली सूची से एक बात जाहिर और हुई कि उस पहली सूची के अंदर वसुंधरा राजे जी के समर्थकों को पूरी तरह उड़ा दिया गया और उनकी जगह रिप्लेस करने के लिए सांसदों को उतारा गया। वो एक सीधा सीधा संदेश भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे गुट को था कि भाई आपको आपके जाने का समय आ चुका है, परंतु जब पहली सूची के बाद जिस प्रकार से उठापटक भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिली तो यह एक उसके बाद में जो राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के लोकल स्थानीय नेतृत्व द्वारा जो संदेश केंद्रीय नेतृत्व को गया और जब वसुंधरा राजे जी के गुट के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व को उनके चुनौती दी गई कि भाई आप देखिए अभी तो आपने पहली लिस्ट जारी करी तब आपका ही हाल हुआ और आप आगे करेंगे तो क्या होगा, उसके बाद में शीर्ष नेतृत्व को भी कुछ सद्बुद्धि आई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे जी के विधायकों को, जो चाहे वो मौजूदा विधायक हो चाहे वो हारे हुए विधायक हो, उनको सबको तवज्जो देते हुए उनको वसुंधरा राजे जी के गुट को भी एक प्रमुखता देने की कोशिश करी। उसी का परिणाम है कि जो आपने अभी बताया कि वसुंधरा राजे जी जो है वो आगे बढ़ करके लोगों को मना रही है, ये मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए वसुंधरा राजे जी तो बना रही है बात सही है, परंतु वसुंधरा राजे जी के साथ लगातार 5 साल तक क्या बर्ताव भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता द्वारा किया गया आपसे और हमसे छुपा हुआ नहीं है। किस प्रकार से उनको लगातार नेग्लेक्ट किया गया, चाहे दौसा की सभा हुई उसमें वो हेलीपोर्ट पे प्रधानमंत्री जी से उन्होंने नमस्कार किया, प्रधानमंत्री जी ने उनके नमस्कार का जवाब नहीं दिया, उसके बाद जब मंच पे चढ़ी जब उस समय उन्होंने नमस्कार किया तो उन्होंने उनके नमस्कार का जवाब नहीं दिया और उसके बाद भी एक बार नमस्कार का जवाब नहीं दिया। किस प्रकार उदयपुर की सभा में अमित शाह जी जब थे और राजेंद्र राठौड़ जी ने माइक संभाला हुआ था, उन्होंने संबोधन में वसुंधरा राजे का नाम नहीं लिया और वसुंधरा राजे जी को संबोधित करने के लिए भी नहीं बुलाया गया, तब अमित शाह जी को उनकी नाराजगी भांपते हुए उनको खुद को इंटरफेयर करना पड़ा। तो देखिए किस प्रकार से 5 साल तक लगातार इनके द्वारा वसुंधरा राजे जी का खुद का भी और वसुंधरा राजे जी के समर्थित विधायकों और नेताओं का भी जिस प्रकार से अपमान किया गया और उसके बाद वो ये सब चीजें वसुंधरा राजे जी को राजस्थान की राजनीति से आउट करने की एक साजिश थी और ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी के पहले उम्मीदवार की सूची में परिलक्षित हुई, परंतु जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का विरोध हुआ तो उसके बाद में निश्चित तौर पर एक तरीके से माना जाएगा इसको आलाकमान का सरेंडर कहा जाएगा। मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा।
ठीक है पौरुष जी, आप लगातार बीजेपी पर तो आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर देखने को मिल रहा है डैमेज कंट्रोल की स्थिति भी बन चुकी है, लेकिन आपकी भी पार्टी की अगर हम बात कर ले, डॉक्टर अर्चना शर्मा की अगर हम बात कर ले, और कई ऐसे नेता है आप में, तो टिकट से पहले ही देखने को मिला था कि लगातार बगावती सुर देखने को मिले थे, और आप ही की पार्टी के नेता दूसरे पार्टी पर यहां पर आरोप लगाते हुए नजर आए कि इनको टिकट मत दीजिए, और अब लगातार जो बागी हो चुके हैं अब उनको मनाया जा रहा है। देखिए आयुषी जी, आपने भी अर्चना शर्मा जी वाला जो एक केस है, ये एक अपवाद स्वरूप केस है। अर्चना शर्मा जी के विरोध के अलावा आपको पूरे राजस्थान में कहीं कोई ऐसा विरोध जो बड़ा गंभीर विरोध हो वो कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगा। और अर्चना शर्मा जी का भी विरोध उनके उनकी उम्मीदवारी घोषित होने से पहले हुआ था। देखिए मैंने जैसा कि आपसे पहले कहा कि हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और टिकट मांगने का सबको अधिकार है, और निश्चित तौर पर जो आदमी जो टिकट पाना चाहता है तो वो दूसरा जो उसको प्रबल दावेदार लगता है तो वो उसकी कमियां जाके बताता भी है, तो इसमें एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया। परंतु आप देखिए, जब उनको कैंडिडेट घोषित कर दिया गया उसके पश्चात जो लोग उनका विरोध करने के लिए AICC गए थे वे सभी लोग अर्चना शर्मा जी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के समय और उनके नामांकन के समय मौजूद रहे। मैं आपसे पूछता हूं कि आपने क्या एक भी तस्वीर कहीं पर ऐसी देखी कि जिसमें किसी कांग्रेसी नेता या कार्यकर्ता द्वारा उम्मीदवार का पुतला जलाया गया या फिर हमारे किसी नेता का पुतला जलाया गया, हमारे किसी केंद्रीय नेता का पुतला जलाया गया? तो देखिए, टिकट बंटवाने के समय एक दूसरे पर आरोप, सामने वाले का टिकट कटवाने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाना एक सामान्य सी बात है। भारतीय जनता पार्टी में भी होता है, कांग्रेस में भी होता है, या अन्य कोई राजनीतिक दल जो जहां पे सत्ता में होता है उनके साथ ही होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु देखिए, पार्टी अनुशासन वहां देखने में आता है कि जब पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित कर दे और उसके बाद में फिर उस पार्टी के नेता अपने उम्मीदवार के साथ क्या लगते हैं, मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा। ठीक है पौरुष जी, अगर हम कांग्रेस के बागी नेता की बात कर ले तो वो हम लोग जो नाम है वो भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे, कौन कौन से वो नाम है, जैसे कि हेमंत भाटिया और कई बड़े ऐसे नाम है जो कि बागी हो चुके हैं, और लगातार अब तस्वीरें यही देखने को मिल रही हैं कि आप लोग जा रहे हैं, आपकी पार्टी की तरफ से जो वरिष्ठ नेता है वो जा रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब आप लोगों ने टिकट फाइनल किया तो क्या नहीं सोचे थे कि इस नेता को अगर आप टिकट नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है ये बागी होंगे और इससे जो दूसरी पार्टी है उसको बड़ा फायदा मिलेगा? देखिए आयुष जी, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी के द्वारा सदा ही एक प्रक्रिया का पालन किया जाता है, परंतु इस बार हमारी पार्टी के द्वारा विभिन्न स्तरों पे उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में जो है विभिन्न प्रक्रियाओं को खोला गया, नए नए चैनल्स खोले गए। आप देखिए, जो हमारे द्वारा जो सामान्यता जो पहले से जो पारंपरिक जो प्रक्रिया है उसके अलावा हमारे द्वारा इस बार 7 सर्वे करवाए गए। हमारे प्रभारी जी ने अलग से सर्वे करवाया, हमारे सह प्रभारियों ने अलग से सर्वे कराया, मुख्यमंत्री जी ने सर्वे करवाया, 3 सर्वे AICC के द्वारा खुद के द्वारा करवाए गए। उसके अलावा देखिए, आपकी मधुसूदन जी मिस्त्री की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया और उनके अंडर में हर प्रत्येक लोकसभा में लोकसभा वाइज और संभागीय स्तर पर भी जो संभाग वाइज पर्यवेक्षक लगाए, और ये जो पर्यवेक्षक थे ये अन्य राज्यों के विधायक या मंत्री स्तर के सांसद स्तर के नेता थे सारे के सारे। तो देखिए, इस बार जो हमेशा जो हमारा सिस्टम होता था कि जो हमारी PEC जो नाम रिकमेंड करती थी उसको स्क्रीन छांट करके सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के पास भेजती थी, इस बार पैरेलल 3 तरह के नाम आए गए। जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी से जो नाम आए वो एक अलग प्रक्रिया थी, उसके अलावा जो मधुसूदन जी मिस्त्री की जो अध्यक्षता की कमेटी थी, अध्यक्षता में बनी हुई कमेटी थी जिनको की लोकसभा पर्यवेक्षक और संभागीय पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट सौंपी, वो एक अलग चैनल था हमारे द्वारा। और तीसरा चैनल जो था वो हमारे टिकटार्थियों के चयन के लिए सर्वे वाला चैनल था। देखिए, तीनों चैनलों में से जो नाम कॉमन बना उसी नाम को हमारे द्वारा टिकट दिया गया, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा। परंतु फिर भी हमारे पार्टी में जिस प्रकार से देखिए, हमारी पार्टी के द्वारा लगातार 5 साल तक जन कल्याणकारी योजनाएं चल गई, आम जन को महंगाई से लेकर के हर प्रकार के क्षेत्र में राहत प्रदान की गई, हमारी सरकार के द्वारा लगातार विकास कार्य बिना किसी पार्टीगत भेदभाव के, बिना किसी जातिगत भेदभाव के, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के किए गए, तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी का ग्राफ बढ़ा है और हमारी पार्टी के नेताओं की महत्वाकांक्षा भी जगी और हमारी पार्टी के नेता वाकई में इस लायक हैं। हमारे पास हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 2 से लेकर 3 उम्मीदवार, बल्कि कई जगह तो इससे ज्यादा भी इस लायक हैं कि वे सब पार्टी यदि उनको टिकट देती तो वे निश्चित तौर पे विधायक बनते और चुनाव जीतते। परंतु देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि टिकट किसी एक को मिलता है, अब जो सब जो अच्छे लोग थे जो उनमें से हमारे को बेटर छांटना था, जो श्रेष्ठ लोगों में से सर्वश्रेष्ठ छांटना था, तो वो हमने उसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई और श्रेष्ठ लोगों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन हुआ निश्चित तौर पर। तो सबको ठीक है, एक नाराजगी स्वाभाविक से, मैंने आपसे कहा कि जो टिकटार्थी होता है उसको बेचारे को कई भागदौड़ी करनी पड़ती है, कई महीनों से वो भागदौड़ी करता है, रात दिन जागता है, कई 10 तरह के नेताओं से मिलता है, 10 तरह की कमेटी के लोगों से मिलता है, तो एक वो जो एक छोटी सी इसको फ्रस्ट्रेशन कहते हैं वो आना स्वाभाविक होता है। परंतु देखिए, अनुशासनहीनता वाला जो मामला है उसको मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी से तुलना की जाए तो हमारी पार्टी इस मामले में कहीं भी कुछ नहीं है और हम लोग जो है सब एक हैं और एक होकर चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री द्वारा जो 156 का जो मिशन 156 मिशन का टारगेट दिया गया उसको हम पूरा करने जा रहे हैं, मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा।
ठीक है पौरुष जी, आप ये कह रहे हैं कि मिशन 156 इसका टारगेट दिया गया है और लगातार वो तस्वीरें भी निकल करके सामने आई जब ये देखने को मिला था कि कांग्रेस में भी बगावती सुर देखने को मिले थे। अगर हम बात कर ले पौरुष जी पिछले चुनाव की, तो देखिए जो बागी हैं वो खेल तो बिगाड़ सकते हैं और पिछले चुनाव में ये देखा गया था कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा सामना भी करना पड़ा था क्योंकि 10 कुछ बागी ऐसे नेता थे जिन्होंने दूसरे पार्टी को ज्वाइन किया था, उसके बाद से आपको वहां पर बड़ा नुकसान हुआ था। इस बार कवायद और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है, क्या कोशिश की जा रही है आप लोगों की तरफ से बागियों को मनाने के लिए? देखिए आयुषी जी, मैंने जैसा कि आपको कहा कि पिछले 2018 तक के चुनाव के में उम्मीदवारों के चयन के लिए हमारे पास सिर्फ एक चैनल जो हमारी पारंपरिक प्रक्रिया होती थी, हम लोग सिर्फ उसी पर चलते थे। तो देखिए निश्चित तौर पे जो कमेटी में बैठने वाले लोग होते हैं उनको उनके उनसे भी मानवीय भूल हो सकती है, तो कुछ जो हमारी पार्टी के जो निर्दलीय जो चुनाव जीते जो लोग जिनको हम टिकट नहीं दे पाए, देखिए पिछली बार जैसे हमारे द्वारा फॉर्मूला था कि भाई जो 2 बार से ज्यादा हारा हुआ है उसको हम टिकट नहीं देंगे, तो इस बार मालवीय नगर वाले केस में भी नहीं बल्कि और भी अन्य जगह देखेंगे कि जो हमारे द्वारा पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पे या सर्वे रिपोर्ट के आधार पे लगा ऐसा हमें कि यदि कोई 2 बार से ज्यादा भी हार गया लेकिन परंतु वो इस बार जीत सकता है तो उसको निश्चित तौर पे हमारे द्वारा टिकट दिया गया। मालवीय नगर का केस आपके सामने है कि जो पिछली बार जो उनकी हार थी 2013 वाली हार थी वो एक बहुत बड़ी हार थी और पिछली बार जो 2018 वाली हार थी वो मात्र कुछ 100 वोटों की हार थी जो कि एक सिर्फ तकनीकी आधार पर हार कही जा सकती थी। उसके बाद भी जब हमारी सरकार बनी तो हमारी मालवीय नगर प्रत्याशी ने लगातार जो है जनहितैषी कार्य करे और देखिए सरकार की जो योजनाएं होती है उनको जन जन तक पहुंचाने में विधायक की और सत्ताधारी पार्टी के विधायक प्रत्याशी की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो देखिए उस भूमिका के तहत जो हमारी प्रत्याशियों के द्वारा जो कार्य किया गया तो वो उसके उसका जनता में जो है वो अच्छा मैसेज गया उन चीजों का और सर्वे में निश्चित तौर पर उनका नाम निकल गया। दूसरी बात मैं आपसे ये बात और कहना चाहूंगा कि देखिए पिछली बार जो जिन 2018 के चुनाव में जिन 200 लोगों ने चुनाव लड़ा चाहे वे हारे हुए हो चाहे वो जीते हो उनमें से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 81 लोग हमारी पार्टी के द्वारा। मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगी, डॉक्टर मिथिलेश जामिनी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी आपको आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ पहुंच रही है मेरे को। ठीक है मिथिलेश जी, देखिए अब लगातार ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है कि बागियों को मनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। देखिए बीजेपी में अब जो कवायद और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर बागियों को मनाया नहीं गया तो जाहिर सी बात है कि इस चुनाव में पार्टियों को बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि ये जो बागी है वो खेल बिगाड़ सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए निश्चित रूप से भाजपा और कांग्रेस दोनों में प्रॉब्लम है। भाजपा में 10 बागी इंपॉर्टेंट है जो परिणाम प्रभावित कर सकते हैं, उनमें चंद्रभान आक्या और यूनुस खान, राजपाल सिंह शेखावत, ये कई अहम नाम हैं और कैलाश मेघवाल वो भी एक अहम नाम है। तो कांग्रेस में भी परम नवदीप समेत कई लोग हैं जो बड़े नाम हैं जो प्रॉब्लमेटिक है, तो दोनों पार्टियों में ये है। अब बीजेपी से एक भूल हो गई कि बीजेपी ने ये काम सबसे पहले अपने एक नौसिखिया जो कृषि मंत्री हैं कैलाश चौधरी उनको सौंप दिया और कैलाश चौधरी वो व्यक्ति हैं जो एमएलए का चुनाव हार गए थे बाद में एमपी का चुनाव जीते और जब उनसे कहा गया कि आप एमएलए का चुनाव लड़िए और उनकी जबान भी लड़खड़ा गई थी, तो अब शायद भाजपा को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब उन्होंने अपने जो मुख्य सिपह सलार है उनको उतार दिया है, उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे तमाम लोगों को। देखिए वसुंधरा राजे पिछले दिनों जब भरतपुर गई थी तब अनीता गुजर को मनाकर भी आई थी जवाहर बेडम के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कांग्रेस में आलोक बेनीवाल जो शाहपुरा में पिछली बार भी निर्दलीय जीते थे, इस बार उनकी पत्नी सविता बेनीवाल ने पीसीसी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आप अशोक गहलोत जी किशनगढ़ जाते हैं वहां विकास चौधरी को टिकट देती है कांग्रेस भाजपा से शामिल करके चट मंगनी पट ब्याह की थ्योरी पर, लेकिन होता क्या है कि वहां सुरेश टाक जो इनके साथ रहते हैं 5 साल। देखिए अब यहाँ पर जो तस्वीरें पहले भी निकल करके सामने आई थी उसमें ही देखा गया था कि बगावती सुर देखने को मिले थे। आप बने रहिए हमारे साथ, लक्ष्मीकांत पारेख जो कि बीजेपी प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी देखिए लगातार आपकी तरफ से जब लिस्ट ही जारी कर दी गई थी तो 7 सांसदों को मैदान में उतारा गया है लेकिन अब कई ऐसे नेता है जो बागी होते हुए दिख रहे हैं और अभी हमने खबर भी दिखाई थी कि वसुंधरा राजे खुद पहुंची है यहाँ पर बागियों को मनाने के लिए और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रियों को भी अब में उतार दिया गया है, यानी कि अब आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये जो बागी नेता है वो खेल बिगाड़ सकते हैं। देखिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से अलग होता है या उसके दिमाग में कोई विद्रोह की अथवा नाराजगी की कोई बात खड़ी होती है निश्चित रूप से मनाया जाना चाहिए, उसकी बात को सुना जाना चाहिए और सुनकर उसकी समस्या समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। ज्यादा तौर पर माननीय वसुंधरा जी हो
या माने गजेंद्र सिंह जी हो या माने कैलाश जी मेघवाल साहब, कैलाश जी चौधरी साहब हो या अन्य सब नेता हो, उन सभी लोगों को अपने में काम दिया गया है। और जिन जिन पांच छह स्थानों पर, जिन स्थानों पर कुछ आक्रोश है, जो लोग कुछ खड़े हुए, उनको बैठाने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। हम इस डैमेज कंट्रोल को लगातार समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुटता के साथ इन सब जो लोग नाराज है, संतुष्ट है, इन सब लोगों को मनाकर चुनाव में जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी विजय के साथ राजस्थान में शासन में लौटने वाली आने वाली है। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, आपके तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी ऐसी कोई स्थिति देखने को मिल नहीं रही है, लेकिन पौरुष भारद्वाज जी देखिए यहाँ पर लक्ष्मीकांत जी की तरफ से कहा जा रहा है कि एक साथ हम सब एकजुट है और यहाँ पर कुछ बातें रह गई हो, इस वजह से यहाँ पर बातचीत करने के लिए जो है वसुंधरा राजे जा रही है, लोगों से बातचीत करिए। और केंद्रीय मंत्री भी मैदान में उतर चुके हैं, जो कि मैदान में जा रहे हैं और बागियों से बातचीत कर रहे हैं। आयुषी जी, मैंने जैसा कि आपसे पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तुलना, हमारी तुलना में बहुत फर्क है। भारतीय जनता पार्टी में जो नाराजगी है वो बड़े स्तर पे नाराजगी है, और जो नेता है वो बहुत बड़े स्तर के नेता है जिनको माननीय मोदी जी ने नाराज किया। परंतु देखिए कांग्रेस में जो स्थिति है वो सिर्फ एक छुटपुट घटना है, तो वो उसको यदि तुलना भारतीय जनता पार्टी से करे तो कहीं वो तुलना नहीं ठहरती। बाकी देखिए कांग्रेस में भी जो हमारे परिवार के लोग हैं जो कि नाराज है, तो उनको मनाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। मुकुल वासनिक जी को दिल्ली से स्पेशली इसी काम के लिए बुलाया गया, और मुख्यमंत्री जी और जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी या फिर जो हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक है, जो सह प्रभारी है, वो सब अपने अपने स्तर पे बातचीत कर रहे हैं। परंतु देखिए मैंने जैसा कि आपको कहा कि हमारा जो कार्यकर्ता जिसके डीएनए में कांग्रेस है वो नाराजगी दिखा सकता है, परंतु वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कभी सपने में भी नहीं सोचता इस बात को। और देखिए जो लोग जो सत्ता लोलुप होते हैं वो छोड़ के जाते हैं, तो ठीक है। पौरुष जी आप बने रहिए हमारे साथ। लक्ष्मीकांत जी देखिए दोनों ही पार्टियों में अब ये देखने को मिल रहा है कि तमाम बड़े जो दिग्गज नेता है वो धरातल पर जा रहे हैं और जो बागी उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी तरफ से वसुंधरा राजे भी पहुंची है, बातचीत का दौर यहाँ पर किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि आप लोग बागियों को मना लेंगे? क्योंकि अगर इतिहास हम खोल करके देख ले तो बागी बहुत ही ज्यादा यहां पर समीकरण बिगाड़ सकते हैं। देखिए निश्चित रूप से पार्टी का जी एक बने का एक भी कार्यकर्ता अलग होता है, निश्चित रूप से पार्टी को नुकसान होता है। हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हमसे अलग नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता इस चुनावी महासभा में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का मजबूत करे, इसलिए हम सब लोग कयावत कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस अभी मेरे फाजिल दोस्त कह रहे थे कांग्रेस की स्थिति बड़ी इतर है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने पिछले 5 वर्ष से बगावत के सुर माने सचिव पायलटिंग चलते रहे और राजस्थान की जनता को उनकी महत्वाकांक्षा की बलिविधि पर चढ़ना पड़ा और वे मुख्यमंत्री बनने को आतुर रहे और होटलों में कैद वाकी सरकार रही। एक होटल के अंदर माने सचिन पायलट के नेतृत्व में कुछ विधायक मनोरंजन कर रहे थे, तो कुछ विधायक माननीय अशोक जी गहलोत के नेतृत्व के अंदर एक होटल में कैद रहे। इस प्रकार सरकार 4.5 वर्षों तक सिर्फ और सिर्फ होटल से चलती रही। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, आपकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। पौरुष भारद्वाज जी आपकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है, लेकिन जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो बागी है वहां पर अब जो कांग्रेस के तमाम बड़े कद्दावर नेता है और बीजेपी के भी तमाम बड़े कद्दावर नेता है वो पहुंच रहे हैं और यहाँ पर बागियों को मनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब दोनों ही पार्टियों को समझ में आ चुका है ये बागी खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं आने वाले चुनाव में। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और यहाँ पर अपनी बातचीत को रखने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।